दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्होंने भाजपा आईटी सेल से संबंधित यूट्यूबर ध्रुव राठी द्वारा प्रसारित कथित अपमानजनक वीडियो को रीट्वीट करके गलती की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को जारी समन को बरकरार रखने वाली दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना शिकायतकर्ता से पूछा क्या वो इस मामले को बंद करना चाहते हैं। पीठ ने निचली अदालत से 11 मार्च तक केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले पर सुनवाई नहीं करने को भी कहा है। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने रीट्वीट करके गलती की। हाई कोर्ट ने 5 फरवरी के अपने फैसले में कहा था कि कथित अपमानजनक चीजों को दोबारा पोस्ट करने पर मानहानि कानून लागू होगा। उच्च न्यायालय ने कहा कि जिन चीजों के बारे में किसी को जानकारी नहीं है उसे रीट्वीट करते समय जिम्मेदारी की भावना जुड़ी होनी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि मानहानिकारक चीजों को रीट्वीट करने पर दंडात्मक नागरिक के साथ साथ अप्रिय कार्यवाही भी होनी चाहिए यदि रीट्वीट करने वाला व्यक्ति अस्वीकरण संलग्न नहीं करता है। मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय में कहा कि हाई कोर्ट इस बात को समझने में विफल रही कि उनके ट्वीट का उद्देश्य शिकायतकर्ता विकास शांक्रित्यायन को नुकसान पहुंचाना नहीं था। उच्च न्यायालय के समक्ष अरविंद केजरीवाल की याचिका में यह कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने समन जारी करने के लिए कोई कारण नहीं बताकर गलती की और आदेश प्रथम दृष्टया न्यायिक विवेक के अनुप्रयोग से रहित थे। विकास शांक्रित्यायन ने दावा किया कि बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 शीर्षक वाला यूट्यूब वीडियो जर्मनी में रहने वाले राठी द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसमें कई झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए गए थे।